दूध पीने से हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं। हर रोज हमें 8 glasses ऑफ वाटर पीना चाहिए मिनिमम। और अगर टीवी बहुत सामने से बैठकर देखोगे तो चश्मा पड़ जाएगा। ये सारी चीजें झूठ है। कैसा लगा सुन के गाइज? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचपन से मानते आ रहे हैं जो सच नहीं है। पर ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च करके ऐसे प्रूव किया है कि इनमें से काफ़ी सारी बिलीव्स गलत हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 beliefs को देखेंगे जो हम बचपन से बिलीव करते आ रहे हैं कि सही है, पर साइंस ने इन्हें गलत प्रूव कर दिया है। Sitting too close to the TV will give you glasses. Guys, बचपन से ही अगर किसी को चश्मा होता था उन्हें बैटरी बैटरी करके चढ़ाया जाता था। उसके ऊपर से पेरेंट्स भी उन्हें घर पर आकर ब्लेम करते थे कि तुम टीवी के सामने बहुत क्लोजली बैठते हो इसलिए तुम्हें चश्मा पड़ गया है। बट दिस इज नॉट ट्रू। इन फैक्ट देर इज नो साइंटिफिक रीजनिंग कि अगर आप टीवी के बहुत पास जाकर बैठो आपको चश्मा या नंबर लग जाएगा। इनफैक्ट इसका ये भी रीजन हो सकता है कि बच्चों की आई साइट अडल्ट की आई साइट से बहुत डिफरेंट होती है। चिल्ड्रेन एक्चुअली हैपन टू हैव द टेंडेंसी टू वॉन्ट टू बी वेरी फोकस्ड ऑन थिंग्स, इसीलिए दे सिट वेरी क्लोज टू द टीवी। और या वो पढ़ते भी है तभी भी वो अपने आईज को एकदम बुक के सामने रख के पढ़ते हैं। पर एक सुपर कॉमन रीजन हो सकता है आपको ग्लासेस होने के, और वो है आपके पेरेंट्स। जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वेदर और नॉट यू गेट ग्लासेस। सो अगर आपके पेरेंट्स को ग्लासेस है तो मोस्ट लाइकली आपको भी हो सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप कोई भी टीवी स्क्रीन को बहुत सामने से देखोगे तो आपके आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा ही, पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है विद ग्लासेस एंड गेटिंग अ नंबर। सिटिंग अप स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद ऑब्वियसली हमारे बैक में पेन होने ही वाला है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते और पूरा टाइम हमें सीधा बैठना है। और अक्सर हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करने के लिए स्लाउच करके बैठते हैं एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, पर पीछे से हमारे पेरेंट्स का एक मुक्का भी आ जाता है बैक पर। इसके पीछे ये रीजन है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्लाउच करके बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट लोग ऐसे भी मानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा स्लाउच करोगे तो आपको बैक पे हंच पड़ जाएगा, पर ये बिल्कुल गलत है। In 2006, a study had been conducted by doctors in Scotland. जिस study में उन्होंने 3 different types of patients को लिया। All of these patients were healthy, पर उन्हें 3 different types of positions में बिठाया और उनके MRI test लिए गए। Number 1, hunched over, so like that. Number 2, straight, एकदम सीधा। And Number 3, leaning back 45 degrees. टेस्ट के बाद उन्हें ये पता चला कि अपराइट वाले पोजीशन में सबसे ज्यादा स्पाइनल डिस्क मूवमेंट पाया गया, विच मींस कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन हमें बैक पर अपराइट पोजीशन में ही मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा स्लाउच करके ही बैठना है। दो डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया है कि बच्चों को कोई भी एंगल पर बैठना चाहिए जो उन्हें रिलैक्स्ड या रिक्लाइंड फील कराए। उन्हें बस सपोर्टेड फील होना चाहिए व्हेन दे आर रिलैक्सिंग, और उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इट्स गुड कि वो खड़े और बैठते रहे घड़ी घड़ी, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। अपेरेंटली वी यूज ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन। साइंटिस्ट बहुत सालों से हमारे ब्रेन को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर हम हमारे ब्रेन को फुल पोटेंशियल पर यूज करते तो हमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है। एक्सक्यूज मी सर। यस। बट व्हाट वुड हैपन इफ समबडी अनलॉक्ड 100% ऑफ द सेरेब्रल कैपेसिटी? 100%? तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर एक चीज जो साइंटिस्ट ने ओवर द इयर्स डिस्कवर की है कि हम हमारे ब्रेन्स को मोर देन 10% यूज करते हैं। फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस में एक रिसर्च की गई थी जिसमें हमारे ब्रेन की MRI ली गई थी। अब इस रिसर्च के मुताबिक हम सबसे छोटे से छोटे एक्शन करने के लिए भी अपने ब्रेन की बहुत वास्ट एरिया को यूज करते हैं, पर वो कितना परसेंट यूज होता है वो पर्सन और एक्टिविटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि सिंपल टास्क जैसे रेस्टिंग या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या यूट्यूब वीडियोस देखना, इन टास्क में भी अराउंड 10% या उससे थोड़ा ज्यादा ब्रेन यूज होता है। ड्रिंक मिल्क टू स्ट्रेंथन योर बोन्स। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर आप दूध पियोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे। इनफैक्ट आई एम अ सिंधी, और मेरी नानी ने मुझे एक सिंधी में पोएम सिखाई थी जिसका नाम था जो खीर पिए सो वीर थिए। पूरी पोएम का पॉइंट था मुझे ये बताना कि अगर आप दूध पियोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे।
So this is a huge one for all of us since we were kids. Harvard ki ek large size case study conduct ki gayi thi, jisme approximately 72,000 women ko follow kiya gaya tha. In fact, 20 years tak unhone unko check kiya, ye dekhne ke liye ki agar doodh peene se उन्हें बोन फ्रैक्चर का चांसेस कम होता है कि नहीं. और एक सिमिलर स्टडी कंडक्ट की गई थी अप्रोक्सीमेटली 96,000 मेन को लेके. इसमें देखा गया था कि जो मेन बचपन से अपने टीनेज से दूध पीते आ रहे हैं, क्या उनमें ये चांसेस कम है बोन फ्रैक्चर होने के. और एक्चुअली उनके चांसेस बढ़ गए. और तो और, जो लड़कियों ने बचपन से ज़्यादा कैल्शियम कंज्यूम किया है, ऐसा ये मालूम पड़ा है कि उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है. ये केस वाकई में उल्टा है. सो द नेक्स्ट टाइम somebody tells you कि दूध पीने से आप स्ट्रॉन्ग होगे और आप बहुत मसल बिल्ड करोगे, उन्हें ये वीडियो दिखा देना. द 5 second रूल, गाइज इसको तो मैं भी फॉलो करती थी, बट नाउ आई हैव रेड दिस एंड इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग. जितना भी हम चाहे 5 seconds के अंदर फूड पे अगर वो जमीन पर गिरता है, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स तो आ ही जाते हैं. दिस वॉज प्रूव बाय जिलियन क्लार्क फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय इन 2003. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जब उन्होंने गमी बेयर्स और कुकीज को ग्राउंड पर गिराया एंड द फूड गॉट कंटामिनेटेड विद इन सेकेंड्स एंड नॉट विद इन अ 5 second मैजिकल विंडो. इस स्टडी के लिए उन्हें एक्चुअली नोबेल प्राइज भी दी गई थी बिकॉज इट वॉज दैट एक्यूरेट. तो गाइज अब ये आप पर है कि आप अपने खाने को कितना प्यार करते हैं कि माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होने के कारण भी आप उसे खाने वाले हो. मैं तो नहीं खाने वाली, बट यू डू यू. यू नीड टू ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे. ये एडवाइस कि हमें हर रोज 8 glass पानी के पीने हैं, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था और इसे 2002 में एक डार्टमाउथ के फिजियोलॉजी प्रोफेसर ने प्रूव किया था, जो एक्चुअली एक किडनी स्पेशलिस्ट भी थे. इन 1945 द फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च काउंसिल ने ये बताया था कि फॉर ईच कैलोरी ईटन हमें 1 milliliter ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए और एक 1900 कैलोरी डाइट इक्वल्स टू 64 ounces ऑफ वाटर इन अ डे. पर लोगों ने ये एक पॉइंट मिस कर दिया था कि फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने ये भी बताया था कि हमारे हर रोज के खाने में सम अमाउंट ऑफ वाटर होता ही है. देन हाउ मच वाटर इज रियली राइट. जब आप थर्स्टी होते हो, आपके ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन 2% से बढ़ जाता है एंड दिस इज अ ह्यूज सिग्नल फॉर द बॉडी, क्योंकि जब 5% हिट होता है दैट मीन्स दैट योर बॉडी इज एब्सोल्युटली डिहाइड्रेटेड. तो गाइज ये सब फालतू के गिमिक्स में ना आए, चीजों को साइंटिफिकली समझिए और आप जब थर्स्टी हो तब आप पानी पीजिए, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट इवन रियलाइज कि आप डिहाइड्रेटेड हो एंड वी जस्ट डोंट एंड अप ड्रिंकिंग वाटर. ह्यूमंस हैव ओनली 5 senses. तो हमें बचपन से ये बताया गया है कि हमारे पास सिर्फ 5 senses है, पर इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी के सिर्फ 5 senses कैसे हो सकते हैं. डॉक्टर लीसा फेडमैन जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्हें फाइंड आउट हुआ कि सिर्फ 5 senses नहीं पर हमारे पास और कई सारे senses हैं. डॉक्टर लीसा के अकॉर्डिंग हम ऐसे senses को अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर example, द सेंस ऑफ मूवमेंट. जब हम वॉक करते हैं हम इजिली गिर नहीं पाते क्योंकि हम अपनी बॉडी को बैलेंस्ड रख पाते हैं एंड एज ह्यूमंस वी हैव दिस सुपर पावर. बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ मूवमेंट हमें पता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स कहाँ पर है, तो हमें उन्हें एक्टिवली देखने की जरूरत नहीं पड़ती व्हाइल मेकिंग दीज मूवमेंट्स. इसी पावर की वजह से हम अपने पैरों को बिना नीचे देखे चल सकते हैं और समटाइम्स कीबोर्ड को देखे बिना भी टाइप कर सकते हैं. हमारे पास सेंस ऑफ पेन एंड सेंस ऑफ टेम्परेचर भी है. गरम गरम चाय को पीकर देखो, आपकी टंग उसे ले ही नहीं पाएगी और बर्न हो जाएगी, बट वी डोंट अलाउ आवरसेल्फ्स टू गेट बर्न्ड बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ टेम्परेचर. डॉक्टर लीसा के अकॉर्डिंग वी ऑल्सो हैव द सेंस ऑफ टाइम. हमारे रेटिनास सबकॉन्शियसली टाइम बता सकते हैं बाय अब्सॉर्बिंग द लाइट ऑफ द डे. Isn't that crazy? No swimming an hour after you eat. अक्सर हमें बचपन में ये बताया गया था कि स्विमिंग करने के 1 घंटे पहले बिल्कुल कुछ खाना नहीं चाहिए, पर अमेरिकन रेडक्रॉस की गाइडलाइंस में भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम खाकर फिर स्विम नहीं कर सकते. इनफैक्ट चौंकाने वाली बात ये है कि प्रोफेशनल स्विमर्स को रेसेस के बीच में बहुत सारा खाना खिलाया और पिलाया जाता है टू कीप देम हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड फॉर देयर गेम. ये सच है कि जब हम खाते हैं हमारी बॉडी अपने स्टमक को ब्लड डाइवर्ट करती है टू एड इन डाइजेशन. पर ऑल्सो आपने कभी नोटिस किया है जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तब इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स टू अगेन हेल्प यू डाइजेस्ट योर फूड. नाउ अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट बिलीव कि स्विमिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज एज वॉकिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत सारा खाना खाकर स्विम करने जाते हो तो इट्स एडवाइजेबल टू नॉट ओवर ईट दैट मच, बट देयर इज ऑल्सो नथिंग फेयर
fatal or life-threatening about eating and then swimming. इसकी वजह से कोई मरा नहीं है. Different parts of the tongue taste differently. Guys, ये तो हमें बचपन में स्कूल में ही सिखाया गया था. और मुझे बहुत vividly याद है वो diagram of your tongue with like the different colors. तो हम ये माना करते थे कि कोई भी bitter दवाई अगर हम अपने back of the tongue पे रखेंगे तो उसका taste हमें पूरी तरह से आएगा. पर अगर हम ये same दवाई को at the tip of our tongue रखें तो उसका taste इतना feel नहीं होगा. Is that true? चलो हम अपनी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं. सबसे पीछे है बिटर, अपर लेफ्ट और राइट साइड में सावर, लोअर लेफ्ट एंड राइट साइड में सॉल्टी और टिप ऑफ द टंग में स्वीट. वी हैव अप्रोक्सीमेटली 8,000 टेस्ट बड्स एंड हर एक टेस्ट बड के अंदर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ रिसेप्टर सेल्स जो हमें हर एक टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी देते हैं. देयर इज सम ट्रूथ कि सम पार्ट्स ऑफ द टंग आर मोर सेंसिटिव टू सर्टेन टेस्ट देन अदर पार्ट्स ऑफ द टंग, क्योंकि सेल्स क्लस्टर्स में होते हैं हमारे टंग में. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास वो एक पार्ट ना होता तो हम वो पर्टिकुलर टेस्ट को फील ही नहीं कर पाते. शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. अब बचपन से हमें एक ही चीज बोली गई है कि अगर आप शुगर खाओगे, चॉकलेट खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे. बट दिस इज नॉट ट्रू. अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करोगे तो ऑब्वियसली यही होगा. बट दिस इज अ मिथ एंड लेट्स सी व्हाई. ऐसे कहा जाता है कि जब हमारे माउथ में कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है और वो लेफ्ट ओवर रहता है, हमारा माउथ उसे एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. पर लोग ऐसे भी कहते हैं कि शुगर इज मच वर्स फॉर योर माउथ देन अदर कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इट्स स्टिकियर. बट दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू बिकॉज पीपल थिंक शुगर आपके माउथ के अंदर चिपक जाएगा और उसे खराब कर देगा. इन द 1990s एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डेंटल रिसर्चर ने एक स्टडी कंडक्ट की टू सी द नेचर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाक्स दैट गेट स्टक टू योर माउथ. नाउ इस रिसर्च में उन्हें ये पता चला कि शुगर्स आर एक्चुअली वेरी 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 इजी टू गेट diminished inside of your mouth because of your saliva, especially as compared to potato chips that have starch in them. So basically, अगर आप अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करोगे तो शुगर आपके दांत को अफेक्ट नहीं करेगा. सो गाइज, ये थी कुछ ऐसी बिलीव जो हमने बचपन से सुनी आए हैं बट आर नॉट एक्चुअली ट्रू. आई होप यू गाइज enjoyed दिस वीडियो. डू लेट अस नो what एल्स यू want टू सी एट बिग ब्रेन को. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such content. And until then, keep making your brain bigger.